woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूँ शाहिद मेथला। पाकिस्तानी सियासतदान इंतखाबी तकरीर के दौरान इंतहाई जज्बातीपन का मुजाहरा करते हैं और अपने सियासी मुखालफीन पर गद्दारी तक के इल्जाम भी आयद कर देते हैं। ये बहुत ही गलत एक रवायत है जो पाकिस्तानी सियासत कैरी कर रही है और बहुत अरसे से ये देखने में आ रहा है। 90 की सियासत की बात अक्सर की जाती है, टीवी टॉक शोज में, मीडिया में और अदरवाइज भी लिटरेचर में भी ये बात की जाती है कि 90 की सियासत में इसी तरह के एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते थे। माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी पीटीआई के लोग भी और खुद पीपल्स पार्टी के लोग भी गद्दार गद्दार कहते थकते नहीं थे। मोदी का यार भी उनको कहा जाता था। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब का भी कुछ साल पहले नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का एक स्टेटमेंट आया था, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाने लगा। तो जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो मोहतात रवैया अख्तियार क्यों नहीं करते, उन्हीं को फॉलो किया जाता है उनके फॉलोअर्स की जानिब से और फिर ये जो अदम बर्दाश्त हमें सियासत में देखने को मिलती है, आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, बुनियादी तौर पर उसी का नतीजा है। इमरान खान साहब पर भी उनके गैर मोहतात रवैये की वजह से खासी ज़्यादा तनकीद की जाती है। अभी हाल ही में उनके 3-4 स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस पर खासा ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पर भी और अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर उन्होंने एक और बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया जिसके बाद ख़वातीन भी खासी हमें बरहम नज़र आई। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के मुख्तसर लिबास की वजह से मर्दों के जज्बात भड़कते हैं और मर्द कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो ख़वातीन के मुख्तसर लिबास देखकर इश्तियाल अंगेज ना हो। ये बयान बहुत ही जज्बात मजरू कर देने वाला था। ये बयान उन्होंने जो सवाल किया गया था कि पाकिस्तान में रेप की वजूहात क्या हैं, उसके जवाब में कहा। इसके बाद खासा ज़्यादा रिएक्शन आया। फिर एक और भी बात उन्होंने की कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी लिबास है और अंग्रेजी जबान है, बुनियादी तौर पर इसका सॉफ्ट इमेज से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एहसास से कमतरी है। जबकि ये हमने देखा है इंटरनेशनली फिनोमेना है अभी तो कि इंग्लिश जबान सीखी जाती है, बल्कि एक ये भी बात की जाती है, डिबेट भी होती है कि पाकिस्तान के बनने की एक बड़ी वजूहत में से ये भी थी कि मुसलमानों ने, उस वक्त के मुसलमानों ने अंग्रेजी जबान सीखी नहीं थी, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान बार बार कहते रहे हैं। मीडिया हैंडलिंग जो पीटीआई की जानिब से की जाती है, इस पर खासे सवालात आज से नहीं, जब से ये हुकूमत में आए हैं तब से उठ रहे हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेक्शन भी देखने में आया जिसमें शहबाज गिल साहब ये क्लेम करते नजर आते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ही टीवी टॉक शोज को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कौन से गेस्ट होने चाहिए, कौन से टॉपिक्स होने चाहिए और किस तरह की डिबेट कंडक्ट होनी चाहिए। ये आप काशिफ अब्बासी साहब के साथ उनका एक मुकालमा हो रहा था, जरा देखिएगा। क्या देता हूं, लेकिन इसमें एक जेन में रख लीजिए बात, हमारे यहाँ एक कसूल फवाद चौधरी हो सकता है आपके साथ सोलो करना चाहें, वो ना आना चाहें, आप ना करें ना, हमें डिसाइड कर लेने दे वो। मैंने तो सिर्फ एक साधा सर एक काम करते हैं, मेरी बात सुने गिल साहब, एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, आखिरी बात आपने प्रोग्राम में जाना है सर, एक काम आखिरी डिसाइड कर लेते हैं, कल से एक प्रोग्राम बनाया करें, टॉपिक आप डिसाइड किया करें, गेस्ट अपने आप दिया करें। ये हम कर रहे हैं ऐसा ऐसा, अच्छा हम कर रहे हैं ऐसा ऐसा, ये बिल्कुल इसी तरफ जा रहे हैं। सो आप प्रोग्राम भी खुद डिसाइड करेंगे, गेस्ट भी खुद डिसाइड करें काशिफ, कि 8 बजे का प्रोग्राम अरशद ने करना और आपने 10 बजे का, हम कोई नहीं होते आपको ये बताने वाले। वी हैव नो वैसे वैसे चंगा कर रहे हो, चैनल चैनल खरीद लो, ज्यादा बेहतर आसान काम है जरा कर रहे हो ना आजकल, वो ज्यादा चंगा काम है कि चैनल ही खरीद लिया करो, बेहतर है तो अपना बंदा अपनी एडिटोरियल लाइन अपना सारा कोई लेके। बहुत शुक्रिया गिल साहब। वैसे तो मीडिया हैंडलिंग के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं और वक्तन फोक्तन जो एंकर्स हैं, मीडिया पर्सन हैं, वो सवालात उठाते रहते हैं, लेकिन जो पीटीआई की आजकल मीडिया हैंडलिंग है इस पर बड़े कड़े सवालात और बड़ी कड़ी तनकीद भी की जा रही है। इन तमाम निकात पर हम बात करेंगे और क्या ऐसा होने जा रहा है कि गेस्ट भी टॉपिक भी पीटीआई के लोग डिसाइड करके टीवी टॉक शोज को बताएं,
चैनल्स को बताएं कि इन्हीं पर डिबेट होनी चाहिए, इन्हीं पर बात होनी चाहिए और ये गेस्ट हम देंगे, ये इख्तियार तो कम से कम एक टीवी एंकर का होना चाहिए कि वो मेहमान अपनी मर्जी का कम से कम रिक्वेस्ट कर सके, ये डिमांड कर सके और पार्टीज को बता सके कि मुझे ये स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करनी है तो मुझे ये वाला गेस्ट चाहिए। इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए। पीटीआई पर पहले भी बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि सेंसरशिप है इनके इनके टेनोर में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जबरी रुख्सत पर भी भेजा गया, मुलाजमतों से भी फारग किया गया और बेशुमार ऐसे इल्जाम लगते हैं। और क्या जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि तमाम चीज़ें अब पीटीआई की तरफ से डिसाइड होंगी, इस पर बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही अहम मुलाकात लाहौर में आसिफ अली सरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की हुई है, तो दो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वन ऑन वन मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है चौधरी बिरादरान से भी और आसिफ अली सरदारी साहब से भी। उनसे इस मुलाकात के हवाले से इसके मुहर्रिकात पर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारफ करवा दूं, मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, अवैस तोहीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं सीनियर तज्जियाकार हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर भाई मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब को जज्बात में आकर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार देना चाहिए जबकि उनकी वालदा को भी माजी में सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा है? शुक्रिया शायद बिल्कुल भी नहीं, मेरा ख्याल है ये काबिल मजम्मत है बिलावल भुट्टो का एहतियात। आप खुद इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, आप अपने नाना से लेके अपनी वालदा तक इस तरह के इल्जाम से गुजरे हुए हैं, उसके बाद भी अगर आप खुद भी अपने मुखालफीन को इसी तरीके से वो करेंगे, जिसका पहली चीज़ ये कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी रेस गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो 1948 से लगातार होते रहे हैं और कभी भी किसी को इस तरीके से ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा ख्याल है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस लिहाज से कि वो कश्मीर के इलेक्शन हैं उसमें कॉलबेशन का जो है इशू जो है वो उसको रेज कर रहे हैं। उस दौरान अगर आप इस तरह की बात करें और इस तरह की चीज़ें करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज वो होते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ाम आते हैं तो फिर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद इस तरह के इल्जाम लगाए। तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। बिल्कुल सही अवैस भाई, सियासतदानों को कब समझ आएगी कि अगर वो गद्दारी के फतवे बांटेंगे सर्टिफिकेट्स बांटेंगे तो उनके पैरोकार भी यही करेंगे और एक वक्त उन पर भी आता है कि जब उनको भी गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। आज इमरान खान साहब को डिक्लेयर किया जा रहा है, कल वो नवाज शरीफ साहब को गद्दार कह रहे थे, तो सियासतदानों को मेच्योरिटी के लेवल तक पहुंचने में कितनी मजीद देर चाहिए? बहुत अफसोस की बात है कि हमारी रियासत में हमने देखा के क्रिएशन के बाद से चाहे वो फौजी अदवार हों या जो सियासी हुक्मरान खानदान हैं, बदकिस्मती से जो अपने आप को गार्डियंस ऑफ द स्टेट समझते रहे हैं वो एक दूसरे पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस शख्सियत को मुंतखब किया हो वज़ीर आज़म 3 मरतबा 2 मरतबा, खुद इमरान खान साहब चाहे वो क्रिकेट की फील्ड पर रहे हों या इस वक्त वज़ीर आज़म हों, ये बात करना समझता हूँ कि बहुत ही घिरी हुई बात है और इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है हमारे यहाँ तारीख के अंदर, चाहे वो या सादिक साहब का मसला हो चाहे नवाज शरीफ साहब का मसला हो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हो, या आप एक तारीख पूरी उठा लीजिए, मतलब हमारे ऐसे ऐसे लीडरान जिनको अवाम मुंतखब करती रही है उनको आप सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हों। कितने अफसोस की बात है कि आज अगर इमरान खान साहब को आप इस तरह का तनकीद का निशाना बना रहे हों, ये ज़रूर है कि उनके बयान पे आप तनकीद कर सकते हैं और बयान में बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो जायज़ है और वो आपका सियासी हक भी है, लेकिन ये किस तरह का आप खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह का रिवाज आप कायम कर रहे हैं कि कल आपके गिरेबान पकड़ा हुआ था इन इल्ज़ाम ने, आज आप उन इल्ज़ाम से आज के हुक्मरान का एहतसाब करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि मुस्तकबिल के अंदर आप एक ऐसी बुनियाद डाल रहे हैं कि जिसमें माजी के गिरदाब में जो फंसे रहे हैं
गद्दारी के बयानिए को लेकर वही आप रवैया अख्तियार करें, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मजम्मत के काबिल बयान है। पीजे मीर साहब, बिलावल साहब के बयान के मुताबिक इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, आपको भी लगता है सिक्योरिटी रिस्क है? जी, जिस तरह मजर ने रोटी ने बात की है, आई टोटली एंडोर्स बोथ ऑफ देम। ये एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है जो कि नहीं देनी चाहिए थी, एंड इसको मैं यही कहूँ। पीजे मीर साहब, आपका स्काइप का लिंक डाउन हो गया है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपको लगता है पाकिस्तान की सियासत दायरे में घूम रही है जहां से सफर शुरू हुआ था कोई 73-74 साल पहले, आज भी वहीं का वहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ ये सबसे अहम बात जो भी आपने की है ना, शायद ये है कि हमारी सियासत ने टाइम के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, और आज भी जब आप सियासत देखते हैं, चाहे बिलावल साहब हो, नू लीग हो या पीटीआई हो, तो कोई प्रिंसिपल्स पे बात नहीं हो रही, कोई सियासी फिलोसफी पे बात नहीं हो रही, किसी के पास जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बात नहीं कर रहे। आप सुन लीजिए सबकी बातों, सिक्योरिटी रिस्क है, ये कश्मीर कास को बेच दिया, उन्होंने अपने एटमी समझौता करके कल को उसको बेच देंगे, तो इस किस्म की जो बातचीत चल रही है इसको अगर आप एक तरफ रख के सिर्फ ये देखें कि चाहे वो कश्मीर का इलेक्शन हो या पाकिस्तान के इलेक्शन हो या पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, किसी एक इलेक्शन में जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो जाकर करके उनका वो हल किसी ने पेश किया है? अभी तक किसी ने पेश नहीं किया। कोई पोलिटिकल फिलासफी कहीं काम नहीं कर रही। अगर कुछ हद किसी हद तक पीटीआई आई थी कि भाई हम इंसाफ के लिए आए हैं या हम लोगों को जो भी इस सिलसिले में जो हो सके और करेंगे उसको बस ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो भी आप देखिए कहीं गुमरतबा नजर आ रहे हैं। जब इस किस्म का माहौल आपने पैदा कर दिया है, जो मेरी लीडरशिप है जिसने कौम को डायरेक्शन देनी है उसका नतीजा आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जिस किस्म की गलाजत इस वक्त खुल के सामने आ रही है, वो इस किस्म की बातें हो रही है वहां पर और इस किस्म का लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वहां पर, शायद ही किसी को शायद सूट करता हो वहां पर जाए। तो ये तो जो फॉलोअर्स हैं उनको आप क्या तालीम दे रहे हैं? ये बच्चों ने कल आगे पाकिस्तान की अनान संभाली है, सियासत हमारी वहां फंस के रह गई, हालात कहीं और चले गए हैं, मुल्की मामलात कुछ और हैं, मसाइल कुछ और हैं, हम सिवाय एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी के इसके अलावा शायद हमारे पास कुछ कहने को रहा नहीं है। बिल्कुल सही है। पीजे भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार देना मायूब कुन है? देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा कहा है कि बिलावल जरदारी हैं जो, इनके ऊपर कोई बैगेज कोई नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके बिकॉज कोई बैगेज नहीं है, लेकिन कई लोग जो उनके एडवाइजर्स बने हुए हैं उनको गलत रस्ते पे लेके जा रहे हैं। ये जो बयान है फ्रॉम बिलावल, इट इज़ अनबिकमिंग, इट इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट आप फ्यूचर एक लीडर से सुनते हैं। क्योंकि देखें ना, आपने अपने प्रोलॉग में भी एक बात कही है, पहले इनकी वालदा पे जिक्र हुआ, नवाज शरीफ पे भी जिक्र हुआ, क्या यही हम कंटिन्यू करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर कि आपकी जो लीडरशिप है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और पोटेंशियली न्यू प्राइम मिनिस्टर्स वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनके मुतालिक इस तरह की बात करें? दिस इज मैं समझता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, जो कि आई कैन अश्योर यू ये बिलावल की अपनी नहीं होगी, ये उनके एडवाइजर्स और गाइडेंस जो उनको दे रहे हैं उनकी होगी कि सर आप ये भी बात करें। और तो पीपल्स पार्टी की जानिब से डिफेंड भी किया जा रहा है। देखिए जी, डिफेंड नहीं, अगर डिफेंड कर रहे हैं दे डिफेंडिंग द रॉन्ग बर्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज अ सिक्योरिटी रिस्क। अगर कोई सिक्योरिटी रिस्क होता है तो आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज इतनी तकड़ी हैं कि कभी उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती हूँ, और बाद में अगर आप उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम, भाई कुलभूषण, मैं आपको बता कुलभूषण की बात है, हमारे भी बड़े लोग पकड़े हुए हैं, क्या हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे बंदे नहीं एग्जीक्यूट होंगे? ये निगोसिएशंस होती हैं, ये जनरल साहब आपको उस पर बेहतर बताएंगे, ये निगोसिएशंस होती हैं। आप पकड़ा हुआ है आपने, उसमें वो इंसर्जेंट है, हर चीज है, हमने भी वहां बड़ी इस तरह की काम करते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। तो उसके बाद किम फिल्बी का आप देख लो, मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर क्या क्या था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप निगोसिएशंस इनके अपने इंटरनल्स होते हैं,
हम इसको पब्लिक डोमेन के अंदर जाके उछालना शुरू कर देते हैं कि जी वो उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। कोई गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, ये निगोसिएशन होती है एंड द गेम कंटिन्यू। दिस इज ऑन गोइंग कंटिन्यू विच एवरी कंट्री प्लेस विद। राइट राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पीटीआई की मीडिया हैंडलिंग कैसी है और इमरान खान साहब को वाकईतन जो इंटरनेशनल मीडिया इंटरेक्शन है उनसे इज्तनाब बरतना चाहिए। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़र अब्बास भाई, ये जो इमरान खान साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि ख़वातीन के मुख्तसर लिबास की वजह से मर्दों के जज्बात भड़कते हैं, कोई रोबोट्स तो नहीं है जो जज्बात नहीं भड़केंगे, ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये आप कैसे जस्टिफाइड कर सकते हैं? आप एक एक बात तो कह सकते हैं, आप चले औरतों के लिबास के बारे में आपने कोई कमेंट कर दिया, लेकिन उसको फिर आप लिंक किससे कर रहे हैं कि जी अगर इस तरह का लिबास पहनेंगी तो फिर लोगों के जज्बात भड़केंगे, तो अगर वो रोबोट नहीं है, यानी आप जो रोबोट अगर नहीं है और वो उनके जज्बात भड़कते हैं और उस दौरान वो कुछ कर गुजरते हैं तो फिर वो जस्टिफाइड होगा। ये इनडायरेक्टली आप जस्टिफाइड कर रहे हैं और यही मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स में वो बाद बहुत बहुत ऐसी ब्लंडर्स कर जाते हैं कि जिसके लिए मेरा ख्याल है उनको पहले अपना किसी भी खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने से पहले ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। मेरा ख्याल है ये दुनिया भर में होता है कि जब आप कोई इस तरह के इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपकी पूरी एडवाइजिंग टीम होती है, उससे बाकायदा आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि आपसे कौन से सवाल किए जा सकते हैं और उनका आपने क्या जवाब देना है। इस तरह की वो शायद वो बात कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, लेकिन फिर यही चीज़ें डैमेज करती हैं। इससे पहले भी वो बहुत ओकेजन्स पे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो जिस तरह बिलावल भुट्टो के कुछ स्टेटमेंट को उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क कहा है इरिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है इंतहाई गैर जिम्मेदार है। और इस बयान के बाद आप समझते हैं कि मुजरमाओं को एक जवाब मिल गया है कि अगर हम रेप करेंगे तो खवातीन को इलाज किया जाएगा? वो हमारी एक जनरल वो है, लेकिन आप अगेन मैं कहूंगा कि जब आप इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो आपको जरूर, और फिर आप एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हैं, आप दुनिया को पाकिस्तान का कौन सी शक्ल दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी बसते हैं? राइट, पाकिस्तान ये मेरा ख्याल है कि अगेन इनके जिस तरह उनके एडवाइजर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह खास आपको सीरियसली अपनी मीडिया टीम को, अपनी एडवाइजरी टीम को रिविजिट करना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और मुसलसल इसी तरह के स्टेटमेंट्स देखने में आ रहे हैं। अवैस तौहीद साहब, इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद खवातीन के जज्बात मजरूह हुए हैं और ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है आपके पूरे माशरे के लिए और माशरे में बिलखसूस ऐसी मेल शोविनिस्ट सोसाइटी में जहाँ पे खवातीन एक मज़ाहमत करके स्ट्रगल करके 20-25% इस वक्त जो है खवातीन जो हैं वो आपके वर्कफोर्स में शामिल हुई हैं, उसके लिए कई दिहाइयों की एक मज़ाहमत और एक मूवमेंट उन्हें करनी पड़ी है, अपने घर से लड़ाई करना, अपनी बिरादरी से, फिर इस माहौल से, उसके अंदर एक ऐसा वजीर आजम जो 50 साल से मीडिया सेवी हो, यानी कि 1971 में उन्होंने डेब्यू किया था अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का, जब से, और इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटरनेशनल मीडिया जो है उससे कोई वो उनके लिए कोई अजनबियत का बाइस है, वो तो बहुत यूज टू है, लेकिन मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट होके इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठना, बहुत अच्छा बोलते हैं इमरान खान साहब, लेकिन ऐसे मामलात पर जहाँ पर सोशल इश्यूज और जहाँ पे सेंसिटिविटीज और सेंसिबिलिटीज इन्वॉल्व हो वहाँ पर इनकी उसमें शानदाना साहिबा हैं, मलाइका हैं और दो चार जो खवातीन हैं
वो इनके जो पीटीआई का एक ओवरऑल एक बड़ा राइट विंग था एक जो एटीट्यूड है जिससे वो समझते हैं कि वो आवाम से पॉपुलैरिटी हासिल करके वोट बैंक को अपने कंसोलिडेट करेंगे, खासतौर पे केपी के अंदर। केपी के अंदर बहुत रोशन ख्याल लोग भी हैं, तो ये मेरे ख्याल में इनकी खाम ख्याली है। और मैं समझता हूँ शाहिद के इस बयान से जितना ज्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेज में 18 साल से जो पहली दफा जो वोट डालने के लिए जो एलिजिबल थे उन्होंने एक बड़ी तादाद में वोट डाला था, वो लिबरल प्रोग्रेसिव भी थे, वो मॉडरेट भी थे, उनके उनके जज्बात को भी चेत पहुंचाई है और ओवरऑल माशरे को भी इन्होंने। अब जैसे मैं अगर मैं अपनी बच्ची को क्या कहूँ कि आप जो है वो लिबास जो है वो ना पहने या दूसरे जो मेरे जहनियत को तब्दील होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके ख्यालात और आपकी जहनियत में ये प्रगंदगी जो है वो शामिल होती है, वो इस ख्याल को कहीं गालिब करती है इस तरह के तस्वुरात से जो हमारे यहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर जो ख्यालात हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, एक मिनट और लूंगा, कि कारोकारी या ऑनर किलिंग के उसमें भी पहले यही एक जवाब बनता था कि जज्बात पे काबू नहीं पाया बाप ने और भाई ने, और उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया, भाभी को कत्ल कर दिया। उसके बाद एक बड़ी मजाहमत के बाद एक पूरी तहरीक के बाद वहाँ पे एक कानून साजी हुई और उसने कहा कि ये बिल्कुल एक लेम एक्सक्यूज है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट के ऊपर एड आते थे टीवी में उसने हमारे कुछ इंतहा पसंद सोच के मालिक कुछ एंकर हजरात या तजियाकार जो बने हुए हैं उन्होंने उस पर एतराजात करना शुरू कर दिए। भाई खवातीन के लिबास पे, खवातीन की बातचीत पे आप जोड़ ना दें, अपनी जहनीत को तब्दील करें। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी जहनीत तब्दील होगी तो माशरे की जहनीत तब्दील होगी, और उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल मॉडल हो सकता है वो आपके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर भी या खिलाड़ी हों या फिर वजीर आजम इमरान खान साहब खुद हों। बिल्कुल सही है। पीजे मीर साहब, वजीर आजम की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट आना किस तरह से देखते हैं? आप मगरिब में भी रहे हैं, क्या रेप होने की वजह खवातीन का मुख्तसर लिबास है? बिल्कुल है, ये बरतानिया में भी जो रेप होते हैं पुलिस बताती है, और आपके जो एनालिस्ट हैं वो बताते हैं, बीबीसी पे, स्काई पे, हर जगह बताते हैं कि आप प्रोवोकेटिव अगर आप ड्रेस पहनेंगे द टेम्पटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज देयर। अभी जो बात ओटी कर रहे हैं आप इनको एजुकेट करें। एजुकेट कैसे करें, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर तो कुछ सोशल आउटलेट है कोई नहीं, जो सोशल आउटलेट है आपने उसको बंद करके रखा हुआ है। तो आपकी जो परवर्जन है ये पूरी सोसाइटी में नहीं होती है, सोसाइटी में परवर्ट्स होते हैं, और यही परवर्ट्स जो होते हैं ये इग्नाइट हो जाते हैं जब ये प्रोवोकेटिव ड्रेस देखते हैं। तो आई टोटली एग्री। और वो फिर दो दो साल के बच्चे और बच्चियों को रेप करते हैं, वो खवातीन की लाशों को रेप करते हैं। सिकनेस, नेक्रोफिलिया है पाकिस्तान के अंदर, दे डू इट। आपके पास चाइल्ड अब्यूज है, आपके पास चाइल्ड इंसल्ट है, बट समबडी वांट टू टॉक अबाउट इट। हम बात नहीं करते, हमने इसको टैबू समझा हुआ है कि अगर आप बात करोगे तो लोग नाराज होंगे। भाई फेस द फैक्ट्स, फेस द रियलिटी। रियलिटी ये है कि आपके मुल्क में बहुत परवर्जन है, सॉडमी आप देख लो कितनी ज्यादा है, कोई इस पर बात ही नहीं करता। पीजे मीर साहब, आप कह रहे हैं कि मुख्तसर लिबास वजह है, तो मगरिब में तो जो शरह है वो पाकिस्तान से तो कम है, इतनी ज्यादा शरह नहीं है वहाँ, तो सजाएं भी खासी ज्यादा सख्त है, वहाँ तो लिमिट का पता नहीं है उनको। बिल्कुल सही कहा शायद, वेल सेड, कि वहाँ तो पनिशमेंट है, आप पनिशमेंट दें, लेकिन साथ साथ आप इनकी जहनियत भी तो चेंज करो ना सोसाइटी में यार। अगर आप हमारी देखें, हमारी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी, आपके पास एक रूल्स है, आपके पास रूल्स सेट है इन इस्लाम के व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस यू हैव टू वेयर। नाउ इफ यू स्टार्ट वेयरिंग यू नो सर्व प्रोवोकेटिव ड्रेसेस, तो आप रिमार्क्स whether in a social gathering, whether in a public gathering, people will do it because you are dealing with illiterate people around you. So this illiteracy ko hame convert karna into literacy, into respect for the women, jo unfortunately aap dekh lo nahi hai yaar. Hum aurat ki baat karte hain, bazaar mein jao aurat ko aage ja ke dhakka maar ke ye aadmi jo hai kaam hai wo chala jata hai, ye aurat ki koi izzat karta nahi hai, line mein khadi hogi धक्का मार के आगे चले जाएंगे। ये तो आप एयरपोर्ट्स पे देखो औरतों के साथ क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे देखो, बसों के अड्डे पे देखो, हम बड़े मोरालिटी के चैंपियन बनते हैं। आई एग्री विद ओटी,
इनको एजुकेट करो। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एग्री कर रहे हैं सर? यस आई एम, बिकॉज ही इज राइट। ओटी साहब तो अपोज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये विक्टिम ब्लेमिंग है। बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो वो तो इतना डर है ना, खुल के बात कर रहा है, उसमें हिपोक्रेसी तो नहीं है, वो तो सही बात कर रहा है, हकीकत बता रहा है। वो हम क्यों डरे यार, हमें पता है कि रियलिटी क्या है ग्राउंड के अंदर, व्हाट इज द रियलिटी। आपको पता नहीं है कहाँ बाहर बैठते हैं तो इधर देख के उसको क्या रिमार्क पास करते हैं, वो लड़की जाती है क्या रिमार्क पास है, व्हाई शुड वी बी हिपोक्रेट्स, लेट्स बी रियलिस्टिक। तो सर ने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे हैं, या आप भी समझते हैं कि मुख्तसर लिबास एक वजह जरूर है? देखिए सबसे पहले आप ये इमेजिन कीजिए, क्या पाकिस्तान में दुनिया जहां से ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं रेप के? आपके पास कोई स्टैट्स ऐसे अवेलेबल हैं? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो मगरबी सोसाइटीज हैं जहां पे सो कॉल्ड एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां पर ये जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा है। चाइल्ड अब्यूज के ले लीजिए, उनकी तो पूरी पूरी क्लर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें कई लोगों ने कई लोग पकड़े गए उसमें से। आप देख लीजिए जो खातिन के साथ जो वहां पर सलूक हो रहा है, क्या वो हमने कभी रिकॉर्ड किया उसको? ठीक है पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, आई एग्री विद दैट। आई ऑल्सो एग्री कि अगर खातिन इस किस्म के लिबास पहन के बाहर निकलती हैं तो मर्दों को थोड़ा शर्मानी चाहिए, इस पर ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए तो मर्दों को करना चाहिए था, लेकिन मर्द तो उस पर चुप है बेचारे, वो तो मर्द बन रहे हैं। पर बात यह है, देखिए पाकिस्तान की सोसाइटी को आप समझिए क्या सोसाइटी चाहिए। हम जिनकी तबके की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का शायद 1-2% भी नहीं बनता उसका। पाकिस्तान की रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इस वक्त ट्रांजिशन फेज में है, वो एक मिडिल में बहुत सारा ग्रुप ऐसा है जो आपकी इसको आप मिडिल क्लास कह लें, लोअर क्लास कह लें, वो इस वक्त कंजर्वेटिव और उसमें फंस के भरा हुआ है, वो ना ऊपर जा सकते हैं ना उनके यहाँ चाहते हैं। फिर आपकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इस वक्त उससे भी नीचे रह रही है, उनकी सोच को भी मुख्तलिफ है। तो लेट्स नॉट कंफ्यूज द होल थिंग, पूरे पाकिस्तान में ऐसी सोच है या पाकिस्तान के सारे तबके ऐसा सोच है। पाकिस्तान में ये हकायक है, चीजें कह रहा है एग्री विद पी, ये पाकिस्तान में ये हकायक है जिनको हमें फेस करना है। पाकिस्तान में हकायक है कि हमने अपनी पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना है, चाहे वो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आप उस इलाके में चले जाएं, आप जो मिडिल क्लास लोग उनकी तरफ चले जाएं, जो जो आपके लाइट एंड जिसको आप कह रहे हैं 1-2% की आप बात करें, पाकिस्तान के इशूज को आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा रेप तो न्यू दिल्ली में हो रहे हैं, वहां पर जाकर वो हम देखते हैं वो क्यों नहीं हो रहे, उसकी तरफ कुछ बात नहीं उठा रहे। बात करने की ये है कि क्या पाकिस्तान दैट बैड, जो हम बात करें आई डोंट थिंक पाकिस्तान दैट बैड, यस, बट जो भी है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे हमारे जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट करते हैं, इस्लाम को हम फॉलो करना चाहते हैं, इस्लाम की मिसाल देना चाहते हैं, लेकिन हमें वो भी वजीर आजम बींग फादरली फिगर उनको इस तरह से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ये इट इज जस्टिफिकेशन फॉर रेपिस्ट। हमारा अपना अपना जो पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, व्हाट ही सेड एंड आई लुक एट इट डिफरेंटली, व्हाट ही सेड वाज कि हमारे मुआशरे में इस किस्म के ड्रेसेस को अभी तक भी मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेट्स फेस दैट एंड आई थिंक दैट्स द ट्रूथ। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मजहर साहब, पीटीआई की मीडिया हैंडलिंग पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ये काशिफ अब्बासी साहब के साथ जो शहबाज गिल साहब का इंटरेक्शन है आपने देखा है, तो अब इस तरह से चीजें पिच की जा रही हैं कि शायद टॉपिक भी बताया करेंगे पीटीआई वाले, और इसके अलावा डिस्कशन किस तरह से कंडक्ट होनी चाहिए वो भी बताएंगे और गेस्ट भी बताएंगे, ये पीटीआई की मीडिया हैंडलिंग किस तरफ जा रही है? शहबाज गिल साहब का ये बयान जो है ये इसको रिकॉर्ड का हिस्सा रखना चाहिए आपको, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, टोटली कंट्रोल कर लें, नेशनलाइज कर लें सारे प्राइवेट टेलीविजन को, सबकी आपकी भी नौकरी सेफ हो जाएगी, जो कहें वो बोलते रहें आप। माजी में यही होता रहा है, आगे जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके आगे बढ़े। लेकिन अभी जो पिछले सवाल पे पीछे बात कर रहे थे, पाकिस्तान मैं तो क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग मैं और वह फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, स्टेटिस्टिक उठाएं देखिए, रेप केसेस देखिए, मैं चाइल्ड अब्यूज की बात ही नहीं कर रहा, रेप केसेस देखिए, उनकी स्टडी करें कि ये रेप लिबास की वजह से हुए हैं
या दूसरे रीजन हैं इसमें, आपको 99% 99.5% आपको इसमें कहीं भी लिबास का कोई ताल्लुक नहीं है रेट से। वो कॉज ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो वजह ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये डिजीज ज्यादा है और ये इसको आप डिजीज कम क्राइम कह सकते हैं आप इसको, तो इसका ताल्लुक उससे प्रोवोकेशन प्रोवोकेटिव होना उसको, अभी जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे थे एग्जैक्टली इसी पैराय में, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता इंटरव्यूअर से कि आपकी सोसाइटी में रेप केसेस क्यों होते हैं, विच इज अ वेरी ओपन सोसाइटी, दूसरी सोसाइटी में तो रेप के कॉजेज जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं कॉजेज उसके। खैर एनीवे, ये जो बात है शहबाज गिल साहब ने पता नहीं किस उसमें वो ये बात कर गए, लेकिन इंटेंशन जो हैं अंडर वो यही नजर आती हैं, जिस तरीके से बात बात की जाती है इस तमाम एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे सबको मर्ज कर दिया जाए, जो है सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो सेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये है ही सप्रेस करने का कि जी एक जगह से सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, क्यों कैमरा इंडिपेंडेंट हो, क्यों प्रेस काउंसिल इंडिपेंडेंट हो, क्यों ये सारी बॉडी। और बजे साहब यही रुझान बाकी पार्टीज में भी मौजूद है, ये मोरल सभी में आप देखें ना, पीटीवी को सब अपने इन सब पार्टियों के मंसूर उठा के देख लें कि हम आएंगे तो पीटीवी को बीबीसी मॉडल बनाएंगे, हम आएंगे तो पीटीवी को खुद मुख्तार बनाएंगे, ये एक ही माइंडसेट चलता है जब इंफॉर्मेशन के हवाले से आता है। किसी को तनकीद अच्छी नहीं लगती, किसी को तनकीद पसंद नहीं आती, सबके उनको कंट्रोल करने के अपने अपने तरीके होते हैं, कुछ में टॉलरेंस ज्यादा होता है कुछ में कम होता है, लेकिन मैं शहबाज गिल साहब से कहूंगा कि अपनी बात को इन्फोर्स करके दिखाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। वैसे सोहीद साहब, आपको इन्फोर्समेंट कमिंग डेज में नजर आ रही है जो शहबाज गिल साहब ने कहा है, क्लेम किया है? जी फिर से सवाल कीजिएगा मुझे। मैं कह रहा हूं जो शहबाज गिल साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में ये कहा है कि हम ऐसा मॉडल लेकर आ रहे हैं जिसमें हम ही गेस्ट डिसाइड करेंगे, हम ही टॉपिक बताएंगे टॉक शोज को मीडिया को, तो ये आपको एप्लीकेबल नजर आ रहा है कमिंग डेज में? ये पता नहीं शहबाज गिल साहब, खैर मैं इस तरह की कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, शहबाज गिल साहब शायद कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर मीडिया की हैसियत क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया का मजाहमती रोल क्या रहा है, जो एक पूरा जो मीडिया का एक किरदार है, चाहे वो आफात हो, चाहे वो फौजी अदवार हो, चाहे वो मुंतखब सियासी हुकूमतें हों, सबके खिलाफ एक तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए एक जो आपकी होती है कि आप आगे उससे क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर मीडिया को हटा देंगे तो अगर आप आईने के अंदर अपनी पसंद का अक्स देखना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी मौजूद माशरे के अंदर ये ख्वाहिश रखना भी मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली है। देखिए चाहे मुझे ऐसा लगता है कि इनका ख्याल ये है, और जो भी हुक्मरान जमात होती है उसको ऐसा ही लगता है, खुद नवाज शरीफ साहब का भी यही मसला था, बेनजीर भुट्टो साहिबा को तनकीद फिर भी सुन लेती थी लेकिन फिर भी उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था, और नून लीग वाले आज भी अपनी पसंद के चैनल पर जाते हैं, अपनी पसंद के एंकर्स के पास जाते हैं। इनका मसला ये है, ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने इनको वोट दिया है, कोई अपोजिशन नहीं है, पूरे इनके खिलाफ कोई भी मुखालफत नहीं हो सकती, अगर मुखालफत होगी तो फिर ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ बगावत है और रियासत के खिलाफ बगावत है। तो जब तक ये माइंडसेट इनका चेंज नहीं होगा उस वक्त तक जमहूरी जो इकदार हैं वो ये अपना नहीं सकते, हुकुमरान जमात होते हुए जो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसी वजह से पार्लियामेंट में आपको इंतजार नजर आता है, इस तरह मीडिया में इंतजार नजर आता है, इसी तरह इनके कच्चे पक्के जो मंसूबे हैं
कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उससे कंट्रोल कर लेंगे पूरी मीडिया को, अजीब अजीब ख्यालात के साथ ये आ रहे हैं, ये पूरे नहीं हो सकते ना। वैसे बदकिस्मती से अवैध भाई, रियासत भी ये समझती है कि पीटीआई के खिलाफ जो तनकीद होती है वो रियासत के खिलाफ तनकीद है। खैर पीजे मीर साहब, ये जो गैर जरूरी मखासमत जनरेट कर ली हुई है पीटीआई ने अपने रवैये की वजह से, देखें सबसे पहले रिटमिक कमेंट जो मजहर ने भी बात की है, आई एंडोर्स मजहर के भाई देखो जो रेप की जो बात होती है जरूरी नहीं है कि कपड़ों की होती है, देर आर अदर रीजन ऑफ सिकनेस एज वेल, सो आई टोटली एंडोर्स दैट। ये बड़े फैक्टर्स होते हैं एंड क्लोदिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स, सो लेट्स नॉट मेक क्लोदिंग एन इशू, देर आर प्लेंटी ऑफ अदर रीजन के जिसके अंदर ये इस तरह के मिसडमीनर्स होते हैं। बैक टू योर क्वेश्चन, यू आस्क अ सिली क्वेश्चन एंड यू गेट अ सिली आंसर। मैं समझता हूँ उस इंटरव्यू को जो मैंने देखा है, आई थॉट दैट वाज अ चाइल्डिश इंटरव्यू। देखो एंकर, आप अभी सवाल हम सबको कर रहे हो, बट यू आर नॉट अ पार्टी टू द यू नो द क्वेश्चन टू द आंसर, यू आर एन एंकर, यू विल क्वेश्चन अस एंड वी विल गिव यू एन आंसर। लेकिन जब आप एक पार्टी बन जाते हैं, टॉन्ट कर देते हैं, प्रोवोक कर देते हैं, तो फिर आपको एक स्टूपिड आंसर ही आएगा। सो बेसिकली हमें दोनों साइड्स को देखना है कि क्वेश्चन कैसा है और आंसर कैसा है। आंसर पर्टिकुलरली जो इनकमेंट गवर्नमेंट होती है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको बड़ी संजीदगी से, इवन अ फ्लिमजी क्वेश्चन शुड बी कन्वर्टेड इनटू एन। लेकिन पीटीआई की जो मीडिया ट्रीटमेंट है इस पर तो पहले दिन से सवालात उठ रहे हैं कि जो भी उनको अपोज करेगा उसको वो गद्दार भी डिक्लेयर कर देते हैं, उसको देखना भी टीवी स्क्रीन पर नहीं चाहते, इस तरह का रवैया, इस तरह का ट्रीटमेंट है ये। लेकिन शायद हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है रेटिंग। आप रेटिंग को देखो, आप तो अगर इस तरह के सवाल करोगे तो जवाब स्टूपिड आएंगे, तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी। आपने सेंसिबिलिटी यार अख्तियार करनी है, खुदा के लिए इनाफ इज इनाफ, हमने बहुत कर दिया है इसके ऊपर, लेट्स वर्क सीरियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मीडिया एंड बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है जनरल साहब, पीटीआई को मीडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा करने की जरूरत है, और ये जो चाइल्डिश बिहेवियर है और अदरवाइज हमें टॉक शोज में भी नजर आता है, सप्रेस करती पीटीआई नजर आती है, इससे इज्तनाब बरतना चाहिए। देखिए फर्स्ट लेट मी हैव अ डिक एट ऑल थ्री ऑफ माय फ्रेंड हियर, इस मीडिया को यहां तक लाने में अगर कोई है तो कुछ हमारा कसूर है इसमें फौजियों का। सो हैविंग सेड दैट, क्योंकि जितनी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ओपननेस दी है किसी ने नहीं दे रही थी, ठीक है, अवैध में देख ही रहे, बट आई एम श्योर यू ऑल्सो लाइक्स व्हाट आई एम सेइंग, थैंक्स मदर एंड थैंक्स पीजे। देखिए आज के दौर में किसी शख्स से अगर जेल में ये है तो मीडिया को दबा सकता है या मीडिया के जरिए अपनी बात करवा सकता है, मेरे ख्याल से बड़ी खाम ख्याली हो सकती नहीं है। आपको मीडिया तो आजकल वैसे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खोता जा रहा है, क्योंकि इसी वजह से पीपल आर नाउ गोइंग टू यूट्यूब, और यूट्यूब आज एक भरमार है, इशू कोई है या नहीं है, यूट्यूब में लगे या तो पाकिस्तान को आग लग गई, ये पाकिस्तानी किसी को आग लगा दी, या अमेरिका को तबाह कर दिया, या अमेरिका न्यूज को तबाह कर दिया, लोग उधर जा रहे हैं। अगर आपने उधर जाने से लोगों को रोकना है, लोगों को संक्रमित कर लेके आना है, तो फिर मीडिया को और हुकूमत को तमाम पोलिटिकल पार्टी को अपना एक बड़ा सीरियस रोल अदा करना है। बिल्कुल हम अवैध बात जब हैं तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, हमारी बात सुन रहे हैं लोग, हमको क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। अब मजर साहब एक ब्रीफ सा कमेंट करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है, क्या सियासी मुहरिकात हैं, कोई नया इत्तेहाद बनने जा रहा है? 2023 के इलेक्शन या उससे अगर पहले हो जाते हैं, ये अगले इलेक्शन की ही सब बंदियां हैं, और उसमें जाहिर है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने लिए स्पेस तलाश कर रही है, खासतौर पर सदर्न पंजाब में कुछ पुराने लोगों को वो वापस ला रहे हैं, कुछ नए लोगों को, लेकिन उनका असल टारगेट ये है कि पंजाब में वो तीन उनके मेन टारगेट्स हैं, ये कि एक तो PML2 से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, 2008 से चौधरी के साथ जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, और अनफॉर्चुनेटली चौधरी के PTI के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक नहीं हैं, वो एक मजबूरी के तहत कोएलिशन पार्टनर का हिस्सा हैं, लेकिन एक वो फैक्टर को देख रहे हैं, दूसरे तरीन फैक्टर को देख रहे हैं जरदारी साहब, और तीसरे शहबाज शरीफ फैक्टर को, तो अगर इन तीन फैक्टर में जो है सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसके साथ पीपल्स पार्टी अपना स्पेस देख रही है, सिर्फ पंजाब में नहीं, मरकज में भी।
राइट, मजर अब्बास साहब, पीजे मीर साहब, अवैस तोहीद साहब, जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। चौका वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।